एक तरफ यूके पहुंचे हुए हैं भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और अगर डॉक्टर एस जयशंकर आज के डेट में कहीं भी यात्रा करते हैं तो ऐसे ही दुनिया चौकन्ना हो जाती है कि आखिर मामला क्या है। यूके का दौरा तो दो वजह से बेहद खास है और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। कौन सी लिस्ट सौंपी गई है यूके के मंत्रालय को जिसने खालिस्तानियों के अंदर हड़कंप जरूर मचा दी है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर और एकदम उम्मीद से बाहर कि इजराइल ऐसा भी कर सकता है। इजराइल ने कतर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, कतर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। आखिर इजराइल ने ऐसा क्या किया है और क्यों किया है? हड़कंप मच गया है अरब देशों के बीच में। सऊदी अरब हो, यूएई हो, ईरान हो, सभी टूट पड़े हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ये संजोग कहिए कि यूके पहुंचे हैं डॉक्टर एस जयशंकर दिवाली की लंबी छुट्टी मनाने, और जब लंबी छुट्टी यूके जैसे जगह में मनाने की बात हो तो कान तो जरूर खड़े हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे भारत विरोधी तत्वों के भी कि करने क्या वाले हैं डॉक्टर एस जयशंकर। आपको बता दें, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे, दिवाली मनाई और यहाँ पर मुलाकात हुई ऋषि सुनक और पुराने वाले विदेश मंत्री से। फिर एक हलचल सी मची और ऋषि सुनक ने अपना पूरा मंत्रिमंडल रिसफल कर दिया, सुएला ब्रेवरमैन को हटा दिया और अब नए यहाँ पर बन गए हैं विदेश मंत्री डेविड कैमरन। और इनके साथ केस ये है कि ये पहले यूके के पीएम रह चुके हैं, और जब ये यूके के पीएम थे तो इन्हें चाइना का एकदम कट्टर वाला समर्थक माना जाता था, तब कुछ ठीक था, लेकिन अभी का सीन तो बदल चुका है। अब कहा जा रहा है इसी क्रम में भारत ने एक लिस्ट पकड़ा दी है। भारत ने किस चीज की लिस्ट पकड़ाई है? कहा जा रहा है कि पहले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई कि हम दोनों के रिश्ते अच्छे अच्छे होने चाहिए, या कहीं भी कोई खराबी नहीं होनी चाहिए और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। फिर बात हुई खालिस्तानियों की और कहा गया कि 19 मार्च को जो जो लोग शामिल थे उसके बारे में हमें चाहिए सबूत और खास इन्फॉर्मेशन। अब ये जो खास इन्फॉर्मेशन है ना, इस नाम से ही लोग डर जाएंगे क्योंकि पड़ोस में बहुत सारी चीजें हो रही है, ऐसे में डर तो लगा है किसी को भी। खालिस्तानियों का विशेष इन्फॉर्मेशन मांगना सिर्फ यूके से ही नहीं, अमेरिका से भी जारी है। भारत ने अमेरिकी सरकार से भी कहा है कि हमें खास विशिष्ट जानकारियां दो। अब ये विशिष्ट जानकारियां लेंगे कैसे? तो आपको बता दें, 24 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया है और इन देशों को भेज दिया गया है। इनके जो मंत्रालय है उन 24 सेट का आंसर देकर वापस करेंगे, और वापस करने के बाद भारत उस पर आगे जो भी प्रक्रिया करनी है वो प्रक्रिया करेगा। अब जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, आपको बता दें, ये जो तस्वीर देख रहे हैं कतर के राष्ट्राध्यक्ष हैं और हमास के हानिया हैं, इसके अलावे एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ ब्लिंकन है और कतर के राष्ट्राध्यक्ष हैं। जब इजराइल हमास की जंग शुरू हुई तो ब्लिंकन कतर पहुंचे थे और कतर में उन्होंने समझाया बाद में कि देखो भाई, ये हमास से रिश्ते विश्ते दूर रहो अच्छा नहीं है, इससे रिश्ते दूर बनाकर रखो अच्छा नहीं रखो, इससे रिश्ते दूर बनाकर रखो, इसे ना ही रखो तो बेहतर होगा। वैसे आपको बता दें, 2021 की ये खबर है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कतर 10 मिलियन मंथली तेल भेजता है गाजा के लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें करता है। यहाँ तक कि हमास के बड़े बड़े लीडर वो कतर में ही ज्यादातर रहते हैं, जैसे कि इजराइल टाइम्स ने ये खबर छापी थी और दिखाया था कि देखो हमास का लीडर इस्माइल हानिया ये एक स्पीच दे रहा है इफ्तार पार्टी के दौरान कतर में। कतर के भी अधिकारी हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेट हैं और यहाँ पर ये हानिया खड़ा है, यानी यहाँ पर इनको जगह दी गई है। खुलेआम तौर पर भी ऐसा होता है, फोटोग्राफ देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा, कतर में ये मुलाकातें हो रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कतर में ईरान के भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे इनसे मिलने के लिए। तो कतर इनके लिए एक बढ़िया जगह है जहाँ पर ये आराम से रह सकते हैं। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए जहाँ पर बताया गया कि हमास का जो लीडर है वो सारे नमाज अदा कर रहे हैं यहाँ पर कतर में, यानी कतर और हमास का एक बढ़िया वाला दोस्ताना रिश्ता है। ये हमने पहले भी आपको बताया है कि कतर 360 डिग्री रिश्ते में विश्वास रखा है, सब मेरे दोस्त हैं, दुश्मन भी दोस्त हैं और दुश्मन के दुश्मन भी दोस्त हैं, सारे के यहाँ पर तार कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल खुले रहते हैं। इनका कहना है कि हमने अमेरिका को बेस भी तो दे रखा है, हम उससे दोस्ती रख रहे हैं तो
हम तो आपसे भी दोस्ती रख रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं एक खबर आती है। हमास क्या कहता है, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है। हमास कहता है कि इजराइल जानबूझकर देर कर रहा है, क्योंकि कतर ने बीच में मध्यस्थता करके डील फाइनल करवा दी थी और इसके तहत हम 100 इजराइलियों को छोड़ने वाले थे और वो उधर से छोड़ने वाले थे 200 फिलिस्तीनी बच्चों को और इसके साथ साथ 75 औरतों को। अगर ये डील हो जाती है जल्दी से तो हम लोग छोड़ देते। और इसके साथ ही कहा गया कि 5 दिन का सीज फायर भी दे दो। अब ये कह रहे हैं कि इजराइल ही नहीं मान रहा है, हमने तो डील फाइनल कर ली है, लेकिन इजराइल हाँ बोलकर अब इसमें जितनी जल्दी एक्शन लेगा उतनी ही जल्दी होगा ना। तो ये एक पहली बार हमास ये चीज जो डील फाइनल कर रहा है, ये डील बहुत कम नहीं है। एक समय था जब एक इजरायली के लिए 6,000 लोगों को छुड़वाया गया था, पर यहाँ तो 100 के लिए सिर्फ इतने की संख्या में। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हमास डर चुका है और इजरायल जो कह रहा है कि हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है, ये बात भी साफ। और जिस तरीके से इजरायल बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर आक्रामक होकर एक्शन ले रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अभी अमेरिका, इजराइल और कतर बातचीत ही कर रहे थे कि हम 3 दिनों का युद्ध विराम देंगे और इस युद्ध विराम के तहत जो भी हमारे बंधक बनाए गए हैं उन सब को हम निकाल लेंगे। पर अचानक से क्या होता है, यहाँ पर स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, एक हड़कंप समझ गया। सऊदी अरब ने कहा ये कतर ने ठीक नहीं किया। कतर ने क्या कर दिया, ये इजराइल ने ठीक नहीं किया। इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने कतर के हेडक्वार्टर को गाजा में उड़ा दिया है। और इसके बाद आप यूएई का भी देख लीजिए, यूएई ने भी कहा कि इजराइल ने जो किया गलत किया भैया, ये बहुत गलत है। ईरान ने भी वही कहा। अभी ना एकदम अफरा तफरी मची हुई है मिडिल ईस्ट के देशों में, सब कह रहे हैं कतर के साथ ये गलत हुआ, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। अब मुझे ऐसा लगता है इजराइल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों किया, पर मुझे ऐसा लगता है जो रवैया अपना रहे हैं इजरायली, वो कहेंगे कि देखो भाई अस्पताल के नीचे तहखाना और तहखाने के नीचे ऑफिस, ऐसा ही कुछ कतर में भी चल रहा था, इसीलिए तो हमने ऐसा किया। अब क्या रिजल्ट आता है ये आपको कल जरूर पता चल जाएगा, पर फिलहाल के लिए इधर अरब देशों में एक हड़कंप सा मच गया है। वैसे आपको बता दें, अल जजीरा को लेकर पहले ही चेता चुका है इजराइल, और अब कतर के हेडक्वार्टर को उड़ाने का क्या मतलब है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मुझे ये लगता है कि हमास को खत्म करने के लिए अब इजराइल किसी की भी नहीं सुन रहा है। वैसे इन सब मामले में आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।